नमस्कार, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो बात करते हैं कि दोनों प्रकार की जो वेल्डिंग है, ये दोनों नॉन प्रेशर वेल्डिंग है और फ्यूज़न वेल्डिंग है, और इनमें हम फिलर मेटल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे इनमें हीट को जनरेट किया जाता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, यह एक मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। अगर आप देखें यहाँ पर पावर सोर्स है, जो डीसी जनरेटर या फिर रेक्टिफायर हो सकता है, जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और जिसका एक टर्मिनल जो वर्कपीस या जो टेबल होती है मेटल टेबल उसके साथ कनेक्ट होता है, जबकि दूसरी जो केबल होती है या टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम देखें समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये थोड़ी सी अलग है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस भी है। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, इसमें जो आर्क है वो विजिबल होती है। अगर आप यहाँ देखें जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, यह आर्क है जो पूरी तरह से विजिबल होती है, लेकिन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क है वो विजिबल नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखें जो फ्लक्स है वो इस होपर की मदद से इसमें इंसर्ट किया जाता है, और इस फ्लक्स के नीचे ही इलेक्ट्रिक आर्क होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फैक्टर है कि किस टाइप की इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कोटेड टाइप इलेक्ट्रोड या बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा सकता है अगर हम बात करें, लेकिन जो समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है इसमें हम बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में ओपन एनवायरमेंट में आर्क को मेंटेन किया जाता है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे आर्क को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कोटेड इलेक्ट्रोड की मदद से फ्लक्स को सप्लाई किया जाता है, जबकि फ्लक्स को कोर्स पाउडर की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, फ्लक्स ज्वाइंट के ऊपर स्प्रेड किया जाता है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है पिंक कलर में, यह ज्वाइंट के ऊपर जो है वो फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन रेट कम होता है और साथ में पेनिट्रेशन भी कम होती है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन रेट ज़्यादा और पेनिट्रेशन वो डीप होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मदद से थिक प्लेट को वेल्ड करने के लिए बहुत से पासिस करने की ज़रूरत होती है, कि हमें कई पासिस करने होंगे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, लेकिन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक सिंगल रन में ही थिक वेल्डिंग की जा सकती है। अगर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम रिपीटेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ही पुअर होती है, और वेल्डिंग ज्वाइंट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती। जो वेल्डिंग क्वालिटी होती है आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन में समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वो बढ़िया होती है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के केस में ओवरहेड वेल्डिंग करना पॉसिबल है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग सिर्फ फ्लैट वेल्डिंग तक ही सीमित है। आर्क वेल्डिंग को करते समय ज्वाइंट और वर्क पीस के ऊपर वेल्ड स्पैटर बन जाते हैं, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्ड स्पैटर नहीं बनते। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग स्पीड कम होती है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा होती है। आर्क वेल्डिंग को करते समय स्मोक, फ्लैश या स्पार्क बनते हैं, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में स्मोक, फ्लैश व स्पार्क फॉर्मेशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में थिन व थिक सीट को वेल्ड करना पॉसिबल होता है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में 5 mm थिकनेस से कम की प्लेट को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।